गुड मॉर्निंग। दिन निकल गया है, योगा क्लास शुरू होने जा रही है। आज हम लोग करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। तो आइए चलिए करते हैं सूर्य नमस्कार और जानेंगे कि कौन लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और सूर्य नमस्कार करने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। चलिए आज इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, सीधे बैठेंगे आराम से मैट पर, अपने पूरी तरीके से कंफर्टेबल, पूरी तरीके से रिलैक्स, अपने आप को अपने मैट पर बहुत ही अच्छे तरीके से स्थित कर लें। आँखों को बंद कर लेंगे, पीठ कमर गर्दन हमारी सीधी, हाथों को चिन मुद्रा में रख लें। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। चलिए मैट पर आगे खड़े होंगे हम लोग। ठीक है, दोनों हाथों को साथ में हो गया आज का सूर्य नमस्कार। बहुत ही अच्छा था। एक इंटेंस वर्कआउट होता है जब हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है वो 12 ऐसे आसनों को लेकर के बनाया गया एक सीक्वेंस है। महर्षि पतंजलि द्वारा जो दिया गया योगा सूत्र है उसमें नहीं है। सम डायनेमिक आसन योगा सूत्र से लेकर के और फिर उन्हें एक सीरीज में, एक सेट ऑफ एक्सरसाइज में बनाया गया, जिसको हम सूर्य नमस्कार कहते हैं। तो जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से, अपने हार्ट की प्रॉब्लम से परेशान है, आर्टरीज की प्रॉब्लम है अगर उनको आपको, या आपको कोई हार्ट अटैक, कोई ऐसा स्ट्रोक, आपको हार्ट अटैक आया है या आपको कोई आर्टरीज प्रॉब्लम है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या आपका जो दिल है, आपका जो हार्ट है वो कमज़ोर है, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो कमज़ोर हैं, तो इस केस में आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको हर्निया है या इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस है आपको, तो आप, या हर्निया है तो आप सूर्य नमस्कार को थोड़ा अवॉइड करें या इसमें होल्ड ना करें, बहुत ज़्यादा ना करें। एक या दो राउंड करने के बाद आप रिलैक्स करें। जिन लोगों को बैक प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क या साइटिका की प्रॉब्लम है, तो भी आप सूर्य नमस्कार को कोशिश करें कि इसको जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, पहले आप अपनी बैक प्रॉब्लम, पहले आप अपनी साइटिका की प्रॉब्लम को ठीक करें, उसके बाद फिर आप आराम से सूर्य नमस्कार कर सकते। बहुत सी जो फीमेल्स हैं उनका ये कहना होता है कि जब वो पीरियड के दौरान क्या वो योगा कर सकते हैं या सूर्य नमस्कार परफॉर्म कर सकते हैं, तो पीरियड्स का योगा से एक सिंपल सा रिलेशन है, सुखम स्थिरम आसनम। तो सुख से स्थिर होकर के जो आसन लगाएंगे वही योग कहलाएगा। जब पीरियड्स होते हैं आपको बहुत पेन होता है, बैठना क्या, लेटना, उठना, चलना फिरना, हर चीज़ मुश्किल होती है, तो इसलिए आप अगर जो शुरुआत के 2-3 दिन हैं उनको निकल जाने दें, अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा पेन है, उसके बाद आप किसी भी तरीके का योगा, किसी भी तरीके का सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जिन लोगों की हाइट नहीं बढ़ती है उनके लिए सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा है, तो इसलिए बच्चों को सूर्य नमस्कार कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य नमस्कार हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड पे असर डालता है और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड ही हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट, हमारे पूरे विकास के लिए जिम्मेदार है, और हमारी लंबाई, हमारी चौड़ाई, ये सारी चीज़ें जो है, हमारा शरीर जो है वो लंबा और चौड़ा होता है। इसके अलावा कब हमें प्रैक्टिस करना चाहिए सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार का सबसे अच्छा समय है सनराइज़ का। आप सुबह सुबह सनराइज़ के आसपास इसका प्रैक्टिस करें। उसके अलावा सनसेट भी अच्छा समय है। आपका पेट हमेशा खाली होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने खाना खाया है और उसके बाद आप सूर्य नमस्कार करने लग गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पेट खाली होना चाहिए, आपको खाना खाए लगभग 2 घंटे से ऊपर हो जाएं, तब जाकर के आप सूर्य नमस्कार या कोई भी योगाभ्यास कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सूर्य नमस्कार की जानकारी पसंद आई होगी। और कोई जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।